उत्तर प्रदेश में हो रहे महावृक्षारोपण अभियान के तहत प्रयागराज के भगवतपुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने वृक्षारोपण किया। हरशंकरी है ना, ये धार्मिक वृक्ष है। आप लोग पाकड़ बरगद तीनों मिला करके है ना? जी सर। इस अवसर में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में 1 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी मंत्री और कार्यकर्ता वृक्षारोपण अभियान में जुटे हुए हैं। मैंने खुद ही कौशाम्बी और प्रयागराज में इस कार्यक्रम के चलते वृक्षारोपण किया है। आज 22 जुलाई 2023 उत्तर प्रदेश के लिए वृक्षारोपण की दृष्टि से ऐतिहासिक है, जहां पूरे प्रदेश भर में 30 करोड़ से अधिक वृक्षों को आज रोपित किया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सभी साथी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, मुझे भी कौशाम्बी और प्रयाग दो जगह आज वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करना था। आज प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर 75 लाख से अधिक वृक्षों को रोपित किया जाएगा। अभी हमारे प्रदेश के अंदर 35% वृक्ष वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन अभी 9% इसको बढ़ाने में सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। और सभी से मैं अपील करता हूं, जिस प्रकार से अपने संतान के लिए, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए परिवार के लोग अपना दायित्व निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष लगाने, उनको बचाने, उनको बढ़ाने, क्योंकि यह वृक्ष एक पीढ़ी के लिए नहीं होता है, ये अनेक पीढ़ियों के लिए होगा। आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं आज अपील करूंगा कि आप स्वयं भी कम से कम एक वृक्ष अपने घर पे या आपके परिवार में जितने सदस्य उनके लिए भी लगावें, और समाज से भी मैं अपील करूंगा जिनके परिवार में जितने सदस्य उनके लिए वृक्ष लगावें। अभी आने वाले समय में 15 अगस्त को 5 करोड़ और प्रदेश में वृक्ष लगाए जाएंगे, और प्रदेश के साथ साथ प्रयागराज में भी 8 लाख और लगाने के बाद जिले में भी 12 लाख और लगेंगे। जिले में भी बहुत ऐतिहासिक संख्या में वृक्षों का रोपण होगा और उनको बचाने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। मैं आज विशेष तौर से एनसीसी के कैडरों का, एनटीबीपी के जवानों का, वन विभाग के सभी कर्मियों अधिकारियों का, और आज सभी विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिया गया और जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी यहाँ प्रयागराज ने मुझे बताया कि अभी कुछ देर पहले तक 65 लाख वृक्षों का रोपण हो चुका है और जो लक्ष्य रखा गया उसे पूरा कर लिया।